वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ लालबाग गर्ल्स इंटर कॉलेज। तो बच्चों, आज का ये वीडियो क्लास नाइन्थ के लिए है, जिसमें मैं आपको रहीम नामक पार्ट पढ़ाने जा रही हूँ। इससे पहले के वीडियो में आपको रहीम के बारे में बताया था और साथ ही साथ उनके दोहे भी समझाए थे। उसी में आगे के जो दोहे हैं वो इस वीडियो में समझाने जा रही हूँ, तो आइए देखते हैं। इसमें नेक्स्ट दोहा है, रहीमन असुआ नैन ढरे जिये दुख प्रकट करे ही जाहि निकारे गेहते कस न भेद कह दे। अब इसमें जो है रहीम दास जी ने घर के उस व्यक्ति के बारे में कहा है जिसे घर से निकाल दिया जाता है। तो रहीम दास जी कह रहे हैं कि रहीमन असुआ नैन ढरे, आंसुओं को नेत्रों से बहते ही जिये दुख प्रकट करे ही अपने हृदय का जो दुख होता है वो दूसरों के सामने प्रकट हो जाता है। उसी प्रकार से जैसे जाह निकारो गेह ते, यानी जिससे भी गेह यानी घर से, जिसे भी घर से निकाला जाता है कस न भेद कह दे, वो किसी से भी घर के भेदों को क्यों ना कह दे। कहने का तात्पर्य है कि जिस प्रकार से कोई व्यक्ति घर से निकाले जाने पर घर के सारे भेद जो होते हैं वो दूसरों से कह देते हैं, उसी प्रकार से नेत्र रूपी घर से आंसुओं के निकलते ही मन का जितना भी भेद होता है वो सब दूसरों के सामने प्रकट हो जाता है। तो इसमें जो है आप काव्य का सौंदर्य भी लिखेंगे, जिसमें घर, जिसमें जो है भाषा जो है ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है, साथ ही साथ शांत रस का प्रयोग है, अनुप्रास एवं दृष्टांत अलंकारों का प्रयोग किया गया है, और इसमें एक भाव साम्य में आप एक लोकोक्ति भी लिख सकते हैं कि घर का भेदी लंका ढाए। इसी में अगला दोहा है, कह रहीम संपत सगे बनत बहुत बहु रीत विपत कसौटी जे कसे ते ही साचे मीत। अब इस दोहे में जो है रहीम दास जी ने एक सच्चे मित्र की पहचान बताई है, और वो कह रहे हैं कि कह रहीम संपत सगे। अब रहीम दास जी कहते हैं कि संपत्ति में तो सभी सगे बनते हैं, बनत बहुत बहुरीत यानी विभिन्न प्रकार से, यानी बहुरीत यानी अलग अलग तरीके से सभी हमारे सगे बनने का प्रयास करते हैं, लेकिन विपत्ति कसौटी जे सगे ते ही साचे मीत। विपत्ति कसौटी यानी विपत्ति के समय जो हमारे काम आते हैं ते ही साचे मीत, वे ही हमारे सच्चे मित्र हैं। अब यहाँ पे कसौटी पे कसने का अर्थ है कि खरे उतरना। जब मुसीबत का समय होता है, जब हमारे ऊपर कोई मुसीबत का समय आता है, तब जो व्यक्ति हमारा साथ देता है वही वास्तव में हमारा सच्चा मित्र होता है। क्या भाव साम्य में जो है तुलसीदास जी का एक दोहा भी लिख सकते हैं कि धीरज धर्म मित्र अरुणारी आपत्ति काल परखिए चारी। और इसके अतिरिक्त जो है भाषा ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है, प्रसाद गुण है, शांत रस का प्रयोग किया गया है, और रूपक एवं अनुप्रास अलंकारों का भी प्रयोग किया गया है। में अगला दोहा देखते हैं, जिसमें जो है रहीम दास जी ने सच्चे मित्र को एक आदर्श बताया है, और वो क्या कह रहे हैं कि जाल परे जल जात बहे तज मीनन को मोह, रहीमन मछली नीर को तजना छाणत छो। अब यहाँ पर रहीम दास जी कह रहे हैं कि जाल परे जल जात है, कि जाल पड़ते ही जल जो क्या होता है वो बह जाता है। तज मीनन को मोह, मीनन का अर्थ यहाँ पे मछली से है, कि मछलियों का मोह त्याग कर जल जो होता है वो बह जाता है, लेकिन रहीमन मछली नीर को, लेकिन जो रहीम दास जी कहते हैं कि मछली जो होती है वो नीर यानी जल का जो प्रेम होता है वो नहीं छोड़ पाती है। और क्या होता है कि तज न छाणत छो, यानी वो उसका जो प्रेम होता है, जो मछली जल से प्रेम करती है उस प्रेम को वो छोड़ नहीं पाती है, और क्या करती है कि बिना जल के वो तड़प तड़प के अपने प्राण दे देती है। अभी आप काव्य सौंदर्य लिखेंगे, जिसमें भाषा ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है, शांत रस है, दोहा छंद है, और साथ ही साथ अन्योक्ति और अनुप्रास अलंकारों का प्रयोग किया गया है। और इसमें आप भाव साम्य में राम नरेश त्रिपाठी जी द्वारा लिखित एक लाइन लिख सकते हैं, त्याग बिना निष्प्राण प्रेम है करो प्रेम पर प्राण निछावर। ये आप इसके भाव साम्य में लिख सकते हैं। तो
तो इसी में अगला दोहा देखते हैं। दीनन सबको लखत है, दीन ही लखे न कोई, जो रहीम दीन ही लखे, दीन बंद सम होए। तो इसमें जो है रहीम दास जी ने दुखियों दीन दुखियों की सहायता करने के लिए कहा है। तो इसमें रहीम दास जी कह रहे हैं कि दीनन सबको लखत है, लखत का अर्थ होता है यहाँ पर देखना। दीन व्यक्ति जो होता है वो सबकी ओर देखता है, कहने का अर्थ है कि वो सबकी ओर दया की दृष्टि से देखता है। लेकिन दीन ही लखे ना कोई, लेकिन उस दीन व्यक्ति को कोई नहीं देखता। गरीब व्यक्ति जो होता है वो सबकी तरफ देखता है कि कोई ना कोई उसकी सहायता अवश्य करेगा, लेकिन कोई भी व्यक्ति उसकी सहायता के लिए आगे नहीं आता। लेकिन जो रहीम दीन ही लखे, कि जो व्यक्ति दीन लोगों को देखता है, दीन बंधु सम होए, वो उन गरीब व्यक्तियों के लिए ईश्वर के समान होता है। दीन बंधु का अर्थ यहाँ पे भगवान से है, कि वो व्यक्ति जो है उसके लिए ईश्वर के समान होता है। काव्य सौंदर्य लिखेंगे, भाषा ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है, शांत रस है, उपमा एवं अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है।